नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डबवाली रोड पर। यहाँ पर एक मोबाइल की दुकान है, मनी ट्रांसफर की दुकान है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक बदमाश आता है। इस दुकान में एक बदमाश आता है, ये दे सकते हैं, ये तस्वीरें दे सकते हैं। एक बदमाश आता है और बदमाश आकर पिस्तौल दिखाता है, और पिस्तौल दिखाकर बहुत ही शातिर तरीके से गुंडागर्दी दिखाकर इनसे पैसे छीन कर ले जाता है, और हाथ से अंगूठी भी लेकर गया, हाथ से अंगूठी लगी, और हाथ से सोने की अंगूठी भी निकलवा कर फरार हो जाता है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, स्क्रीन को बड़ा करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े, और वीडियो को दोनों चलने दो। वीडियो ये उसकी मोटरसाइकिल खड़ी है, ये देख सकते हैं, ये उस बदमाश की मोटरसाइकिल खड़ी है, और बदमाश मुंह ढककर आता है। ये देखो भाई, तस्वीरें आगे करो, मुंह ढककर बदमाश आता है दुकान के अंदर, और आकर कहता है भी मेरे को 30,000 रूपए खाते से निकाल कर दो। और उसके बाद में बाबूजी है वो हलचल करते हैं और 30,000 रूपए निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में ये दे सकते हैं, जेब में पिस्तौल होता है शायद में, ये दे सकते हैं। अब ये पिस्तौल निकालेगा, ये दे सकते हैं, ये बदमाश है। ये देखो, ये पिस्तौल ये निकालने की कोशिश कर रहा है। वीडियो को शेयर करें, ये देखो पिस्तौल निकाल लिया इसने पिस्तौल निकाल लिया और उसमें गोली भी डाली है। ये देखो गोली भी डाल रहा है, पिस्तौल निकालकर गोली डालकर अब कह रहा है भी जितने पैसे है वो दो, और हाथ से सोने की अंगूठी भी लेकर चले जाता है। बाबूजी ने कभी सोचा नहीं होगा इस तरीके से खुलेआम सरेआम दिन दहाड़े मेरे साथ ये घटना। ये देखो पैसे दे दिए, पैसे हाथ में ले लिए, अब कह रहे अभी और कुछ निकाल। तो बाबूजी ने ये देखो ये बैग दिखा रहे हैं भी, बैग में मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद में कह रहे अभी हाथ, ये देखो जितने पैसे थे, खुले पैसे थे, बंदे पैसे थे, सारे पैसे उसने ले लिए। अब कहता है कि हाथ की सोने की, ये देखो पिस्तौल तानता है और हाथ से सोने की अंगूठी निकलवा कर चला जाता है। खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी, बदमाश आता है, ये देखो पिस्तौल वापिस डालकर चला जाता है। हाँ जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जी। पूरी कहानी क्या है, कैसे क्या हुआ जी? ऐसे ऐसे एक आदमी एज ए कस्टमर बन के आया, कहता है जी मैंने गूगल पे करवाना है, तो मैंने कहा जी कितना? कहता है जी 30,000 रूपए। मैंने कहा जी इतना तो नहीं होता। कहता है नहीं निकलवाने हैं मैंने, तो मेरे को कुछ शक हुआ। मैंने कहा जी कोई नहीं, बैठो देखते हैं। बस बैठे, वो उसको बिठाया मैंने उससे बात करने की कोशिश की, कहाँ से हो जी? कहता जी सिरसा से। मैंने कहा सिरसा में कहाँ से हो? मैं कंप्यूटर की तरफ मैंने ध्यान दिया तो इतने में देखा कि उसके हाथ में रिवॉल्वर है। कहता जी इतने पैसे निकाल दो जी। मैं तो एकदम घबरा आ गया जी। फिर मैंने गले में जितने बड़े पैसे थे, मैं जी मेरे पास तो इतने ही है जी, मैंने वो निकाल दिए इनको। कहते जी बैग दो। मैं जी बैग में कुछ नहीं है। कहते नहीं बैग दो मेरे को। मैं कहा बैग में कागज है। कहते नहीं। मैंने फिर उसको बैग दिखाया, खोल के दिखाया, बैग चेन दिखाई। मैं देखो जी खाली है, इसमें कुछ नहीं है। फिर उसने मेरे हाथ में सोने की अंगूठी देखी, कहता जी अंगूठी निकालो जी। मैंने अंगूठी निकाली और जाते जाते कहते जी अगर शोर मचाया तो गोली चला दूंगा, चुपचाप बैठे रहो। और फिर वो वहां से निकल गया जी। इन 3-4 महीनों में लगातार 2 घटना आपके साथ घट गई। पहले तो एक व्यक्ति आया, वो मनी ट्रांसफर करके वो ठग के चला गया पैसे। अब पिस्तौल दिखाकर अब आदमी आपके पास आता है, ठग कर चला जाता है। क्या कहना चाहोगे? अभी खुला चलता रोड है, सरेआम दिन दहाड़े पिस्तौल दिखाना और पैसे लेकर चले जाना जी। लाइन ऑर्डर कुछ नहीं है जी, कोई कार्रवाई नहीं होती जी किसी तरह की। अगर कोई कंप्लेन भी होती है तो पीछे वाले की कंप्लेन की थी जी, थाने वालों ने उसकी कार्रवाई नहीं की जी। हाँ, और अभी देखो कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, क्या करते हैं जी। अभी 112 पे डायल किया था मैंने, फिर आए थे सीए स्टाफ, आए वो सारी रिकॉर्डिंग वगैरह अभी लेके गए हैं। देखो आगे फिर अभी क्या कार्रवाई करते हैं जी। साथियों एक बार वो सीसीटीवी फुटेज दोबारा निकालो। साथियों मैं आपको बता दूं, इस दुकान में एक बदमाश आता है, मोटरसाइकिल लेकर आता है, और बदमाश आकर पहले तो इनको कहता है भी मेरे आधार कार्ड से 30,000 रूपए निकाल कर दो। उसके बाद में इनको पिस्तौल दिखाता है और पिस्तौल के दम पर 30,000 रूपए और एक सोने की अंगूठी लेकर फरार हो जाता है। खुलेआम सरेआम मोटरसाइकिल लेकर आता है, और ये देखो ये पिस्तौल निकाल, ये देखो पिस्तौल दिखाओ भाई, पिस्तौल निकाल कर किस तरीके से कितनी बारीकी से बदमाशी करता है। ये देखो पिस्तौल निकाल कर पैसे लूट कर फरार हो जाता है। ये देखो भी मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा, और ये देखो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके फरार हो गया। हाँ जी सचिन जी, क्या कहना चाहोगे? बहुत बुरा हाल है।
ये जो नशेड़ी हैं, जो काम नहीं करते बेरोजगार, इसके चक्कर में ये चोरियां करते हैं। सरेआम 5:30-6 बजे के टाइम में इतनी गुंडागर्दी, भाई इतना कोई डर नहीं है पुलिस का। हाँ, हम तो पुलिस प्रशासन से यही अपना अपील करते हैं कि जल्द से इन बदमाशों को पकड़ा दे ताकि और किसी ऐसा हादसा ना हो और एक गुंडागर्दी कम हो। सिरसा तो वैसे ही शांति प्रिय है जी शहर, यहाँ तो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और इस सरेआम गुंडागर्दी 6 बजे के टाइम पे आया और 5 मिनट में अगला चला, कोई डर ही नहीं है भाई, कोई आएगा पकड़ेगा, 4 जने आएंगे, बहुत बुरा हाल है। प्रशासन से यही अपील है इसको, आप प्रशासन से क्या गुजारिश करना चाहोगे? तो कहते जी ऐसे लोगों पे जो जल्द से जल्द नकेल बांधी जाए, हमें बिल्कुल न्याय दिलवाया जाए, जो हमारा नुकसान हुआ है। हम तो जी सारा दिन मेहनत करके एक एक पैसा कमाते हैं जी। कितने पैसे लूट के ले आप? कम से कम लगभग 25 से 30 हजार रुपए थे जी। हाँ जी, तो गले में गिने हुए तो होते नहीं, जितने थे जी सारे ले गया जी वो। तो इसका मतलब वो पहले से रेकी कर कर आराम से बढ़िया तरीके से आया अभी पहले? हो सकता है जी उसने देखा हो कि दुकान पे कोई नहीं है, अकेले बैठे हैं, ये देख के आ गया हो। हाँ जी, तो साथियों आप देख सकते हैं, ये देखो बदमाश दिखा दो भाई, ये देखो बदमाश, बदमाश दिखा दो, बदमाश की तस्वीर दिखा दो, ये देखो ये वो बदमाश बैठा, बदमाश की मैं तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो बदमाश की ये तस्वीर, सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करें। ये बदमाश की तस्वीर है, मुंह ढककर आता है और मुंह ढककर आकर पैसे लेकर फरार हो जाता है। ये देखो आराम से, देखो पिस्तौल इसके हाथ में है, ये देखो पिस्तौल इसके हाथ में है और कोई कानून का, किसी का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर पुलिस की भी टीम यहाँ पर आई है, आप देख सकते हैं पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम भी पड़ताल कर रही है और आस पास में यहाँ पर CCTV फुटेज है वो भी खंगालने की कोशिश की जाएगी और पता किया जाएगा कि आखिरकार मोटरसाइकिल किसका था और आखिरकार वो लड़का कौन था, वो बदमाश कौन था जो दिन दहाड़े आता है, खुलेआम आता है, सरेआम आता है और यहाँ पर पिस्तौल के दम पर पैसे छीनकर और सोने की अंगूठी छीनकर फरार हो जाता है। तो सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।